बाद में ही ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ, लेकिन इस बार सोचा सबसे पहले सुनाता हूँ, क्योंकि चीज ही ऐसी है। मैं बात कर रहा हूँ एक एक्चुअल 5.1 होम थिएटर सिस्टम की, जो आपके घर को, आपके रूम को और आपके दिमाग को हिला के रख देगा, क्योंकि ये एक एक्चुअल 5.1 होम थिएटर सिस्टम है। मैं बात कर रहा हूँ ओबेज के CA1 होम थिएटर सिस्टम की, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और मैं आपको इस सिस्टम का आज एक ट्रू व्यू दिखाऊंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओबेज ब्रांड ने इस प्रोडक्ट को मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए। मैंने इसे खरीदा नहीं है और मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए इस वीडियो को बनाने के लिए। ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रोडक्ट के ऑनेस्टली आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों शेयर करूंगा, ताकि आप इसे खरीदने या ना खरीदने का डिसीजन खुद ले सकें बिना किसी इन्फ्लुएंस के। लेकिन आप डिसीजन लेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको। इस प्रोडक्ट को मैंने पहले बर्न इन करा, बर्न इन करने के बाद इसे लगातार कई रूम्स में अलग अलग दिनों टेस्टिंग करी और उससे रिकॉर्डिंग्स करी अलग अलग जॉनरा के सॉन्ग्स की, और वो भी चार माइक्स लगा के। उन चारों माइक्स की ऑडियो को मैंने मर्ज किया और उसे अपलोड किया अपने ड्राइव पे। उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें अलग अलग जॉनरा के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और उन्हें सुन के आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और अगर आपको पसंद है तो इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन उसमें बाद में चेक करिएगा। पहले आपको इसकी लुक्स के बारे में बताऊं। ओबेज का ये सिस्टम एक प्रॉपर 5.1 होम थिएटर सिस्टम है, जो कि बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और किसी भी और ओबेज सिस्टम की तरह नहीं दिखता है। ओबेज के बाकी सिस्टम्स की तरह नहीं दिखना इज अ प्रो और अ कॉन। आई थिंक इट इज अ बिग प्रो, और आपको इसके अंदर बहुत ही शानदार और सटल ब्रांडिंग करी हुई दिखेगी, जो कि बहुत प्रीमियम लगती है। इसमें आपको एक सेंटर चैनल, दो फ्रंट चैनल्स, दो सराउंड चैनल्स और एक बहुत बड़ा 8 इंचेस का सबवूफर देखने को मिलेगा, विच इज मैसिव एंड वेरी हैवी। ऑलमोस्ट सभी टाइप के कंट्रोल्स आपको सबवूफर के फ्रंट पे देखने को मिलेंगे या फिर आपको इस रिमोट कंट्रोल पे देखने को मिलेंगे। एंड आई एम सरप्राइज कि कोई चीज नहीं छोड़ी ब्रांड ने, हर टाइप का कंट्रोल दे दिया है। मतलब आपको फ्रंट चैनल से आवाज कम करनी है, ज्यादा करनी है, सेंटर चैनल को कम करना है, बढ़ाना है, सराउंड चैनल्स की आवाज को कम करना है, बढ़ाना है, यू कैन डू दैट इजिली विद दिस रिमोट कंट्रोल। सबवूफर के पीछे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेगी, जिसमें आपको HDMI ARC पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट और ऑक्स पोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके आगे आपको USB पोर्ट भी देखने को मिलेगा। ओबेज के सिस्टम के अंदर HDMI ARC, मतलब एक्चुअली में ये प्रॉपर 5.1 होम थिएटर बन चुका है, और आपको इसके साथ ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। और सारी इधर उधर की बातें इसी के साथ समाप्त, और अब हम शुरू करते हैं रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द होम थिएटर। आपको ये होम थिएटर कैसा साउंड करता है ये आपने सुन लिया, लेकिन अब आप दोबारा सुनिए। जो ऑडियो टेस्ट आपने पहले सुना था और जो अब सुना, उन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी भी है और एक डिफरेंस भी। इन दोनों के अंदर आपको बेस बहुत अच्छी मिली, लेकिन आपको एक में अपर बेस ज़्यादा अच्छी मिली, एक में लोअर बेस, और दोनों में क्लैरिटी में कोई कमी नहीं आई। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो 8 इंच का ये सबवूफर लगा है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा तो है ही, क्योंकि ऑब्वियसली साइज डज मैटर। लेकिन आपको जो 4 इंच के एक्चुअली मिड ड्राइवर्स मिल रहे हैं, मिड्स को जो डिलीवर कर रहे हैं और वो फुल रेंज ड्राइवर्स हैं, वो बहुत ज्यादा शानदार काम कर रहे हैं। और उसी के साथ आपको 2.5 इंच के 5 ट्वीटर्स मिलते हैं, यानी हर चैनल के अंदर आपको एक एक ट्वीटर भी देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से हाईस को सपोर्ट कर रहा है। अब ये लोअर बेस और अपर बेस का गेम कैसे हुआ, आपको बताता हूं। पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑडियो फाइल्स के लिंक पर जाना है, उसके अंदर एक गाने को प्ले करना है, उसका नाम है हाउल। हाउल सॉन्ग को जब आप प्ले करेंगे और उसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आपको उसके अंदर सबसे पहले शुरू होते ही अपर बेस बहुत ज्यादा सुनाई देगी। आपको लगेगा ये सिस्टम सिर्फ अपर बेस दे रहा है, बट दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि वो सॉन्ग ऐसा रिकॉर्ड करा गया है, वो सॉन्ग है ही ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होगा इन बोथ अपर एंड लोअर बेस मिक्स, और उसके अंदर ओवर पावर करेगी लोअर बेस। आपको उससे ये भी समझ में आएगा बाय द वे कि अपर बेस और लोअर बेस होती क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि अपर बेस आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगी
और लोअर बेस आपको नीचे से ऊपर आती हुई फील होगी, और ये जो मजा आता है, जो आपको पंच पड़ता है यहाँ पे इस सिस्टम से, और ये 8 इंच का जो सबवूफर है वो जो कमाल करके दिखाता है, वो एक जस्ट रेवोल्यूशन है, और ये एक टोटल सराउंड एक्सपीरियंस मेरे लिए दे रहा है, और मैं आपको इसका पूरा का पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूं। Catch this man a shield. Fun isn't something one considers the balance of the universe. ये ट्रेलर आपने कम से कम 500 बार, मतलब मैंने तो 500 बार देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा और आपको ये याद भी होगा, और आपको चेक करना चाहिए इसी ट्रेलर का जो ऑडियो लिंक है ऑडियो फाइल्स में, उसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 अलग अलग माइक्स जब सारी तरफ से आने वाली ऑडियो को मर्ज करके आपको मैंने जो सुनाया है और वो जो सराउंड एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करी है, वो कितना जबरदस्त है और कितना शानदार है। जानते हैं वो जबरदस्त क्यों है? क्योंकि इसके सराउंड चैनल्स में जो सेपरेशन है वो बहुत कमाल के तरीके से करी गई है। सराउंड चैनल्स उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को प्ले कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को जो उन्हें प्ले करनी चाहिए, और फालतू की एरी गैरी नहीं होती हैं, वो फ्रंट चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सेंटर चैनल की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिन्हें प्ले नहीं करना चाहिए सराउंड चैनल्स को, एंड दे आर नॉट डूइंग इट, एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि आपको ऐसे सराउंड चैनल्स चाहिए जो वोकल्स को बहुत हेविली डिलीवर ना करें, बहुत कम उनमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मिड फ्रीक्वेंसीज जो डिलीवर होनी चाहिए उनमें हाई फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होती हैं, और वो बहुत खूबसूरती से ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है, एक्चुअली इसके सराउंड चैनल्स डिलीवर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आपको जो सिनेमा हॉल की फीलिंग आती है, आपको जो मन करता है यार मूवी को पूरा देख लूं, आपका मन करता है यार ये ट्रेलर खत्म क्यों हो गया, पूरी मूवी क्यों नहीं है, एंड दैट इज द प्रिसाइज फीलिंग व्हाट यू गेट विद दिस सिस्टम। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस सिस्टम को मैंने टीवी के साथ कनेक्ट करा कैसे। ऑब्वियसली HDMI ARC पोर्ट से, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं ऑडियो सिस्टम या फिर टीवी दोनों में से किसी का भी रिमोट कंट्रोल यूज कर सकता हूँ, और उससे वॉल्यूम कम या ज्यादा, पावर ऑन या ऑफ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट है, कनेक्ट कर लीजिए, EARC पोर्ट है, कनेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन टीवी की सेटिंग्स में जाके आपने ऑडियो सेटिंग्स में PCM पे टीवी को कन्वर्ट कर देना है, ऑटो पे नहीं रखना है, बिकॉज दिस सिस्टम डज नॉट सपोर्ट एनी डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी डिजिटल, ये उसे सपोर्ट नहीं करता। इज दैट अ कॉन? एक्चुअली नॉट। डॉल्बी के किसी भी ऑडियो फॉर्मेट से आपको दो चीजें मिलती हैं। पहली, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, भाई मेरा सिस्टम डॉल्बी सपोर्ट करता है, और दूसरी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। जो ऑडियो टेस्ट आपने अभी सुना उसमें आपको इतनी बैलेंस्ड क्लैरिटी मिली। बैलेंस्ड क्लैरिटी ये क्या होती है? एक्चुअली में आपको जब क्लैरिटी ओवर मिलती है तो आपको वो मजा नहीं आता, आपको कोई छन 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 बहुत ज्यादा सुनाई देने लगेगी किसी भी ऑडियो के अंदर, किसी भी गाने में, आई मीन यू विल स्टॉप लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। और आपको अगर वो कम सुनने लगेगी तो आपको तब भी मजा नहीं आएगा, आप उसे लंबे टाइम तक नहीं सुन सकते। सो बैलेंस्ड क्लैरिटी इज द राइट थिंग दैट यू गेट इन दिस सिस्टम, और ये अचीव होता है सराउंड चैनल से। आप जब भी कोई बहुत शानदार मूवी देख रहे हो और आपको वही सराउंड फ्रीक्वेंसीज सराउंड चैनल्स दे रहे हो, फ्रंट चैनल्स वही फ्रीक्वेंसीज दे रहे हो जो उन्हें डिलीवर करनी चाहिए, और ये सेंटर चैनल आपको वो फ्रीक्वेंसीज दे रहा हो जिससे आपको वोकल सुनाई दे रहे हो और उसका फोकस ही वहीं पे हो, एंड देन यू गेट द बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको हर चैनल से सुनने को मिलेगा। और सब ऊपर तो मैजिक कर ही रहा है, लेकिन एक और मैजिक की बारी है, पर मेरी टीम का इससे पहले कुछ कहना है, सुनेंगे आप उन्हें? सुनिए। सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेस तो कमाल की है, लेकिन सॉन्ग सुनने में तो बहुत अच्छा है,
लेकिन मुझे ना कमाल की बात है, नहीं इतना शानदार 5.1 होम थिएटर सिस्टम, लेकिन उससे भी कई लोग सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उन्हें और ज्यादा बेस चाहिए, और ज्यादा मतलब 8 इंच का सबवूफर, 500 वाट का पीक आउटपुट, लेकिन आपको और ज्यादा बेस चाहिए। तो ओबेज ने सोचा उसका भी इलाज एक बार में कर ही दें। ओबेज ने एक ऐसा काम करा है जो किसी भी ब्रांड ने आज तक इस प्राइस रेंज में कभी नहीं करा। उन्होंने लॉन्च किया है 5.1 और यू कैन मेक इट 5.2 होम थिएटर सिस्टम विद एन एक्स्ट्रा सबवूफर ऑफ 8 इंचेस। अब आपके पास दो 8 इंचेस के सबवूफर हैं इन दिस सिस्टम। इमेजिन द काइंड ऑफ रॉकिंग म्यूजिक दैट यू कैन गेट इन योर हाउस, और आप मूवीज देखते हुए सीरियसली अपने रूम को सिनेमा हॉल में जेन्युइनली कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग इस सिस्टम का 5.1 वर्जन लेना चाहते हैं, यानी ओबेज CA1 का, आप अगर 5.1 वर्जन लेंगे यू विल बी एब्सोल्युटली हैप्पी विद द बेस रिस्पांस, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल बेस है कि आपके रूम को हिला दे और आपको यहां से शेक महसूस होगा जो यहां पे आके टच करेगा, एंड दैट इज द मोस्ट रॉकिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्लैरिटी या फिर मिड नोट्स। आपको डायलॉग डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सास बहू के सीरियल भी देखेंगे ना अगर इस सिस्टम को लगा के, तो भी आपको डायलॉग्स प्रॉपरली सुनाई देंगे। आप मेरे ऑडियो टेस्ट के अंदर जाके वीडियो क्लिप को सुन सकते हैं, वो सिर्फ ऑडियो क्लिप ही है, लेकिन आपको उससे डायलॉग डिलीवरी बहुत आराम से सुनाई देगी विद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बेस, जो आपको चाहिए किसी होम थिएटर सिस्टम से, जो आपको किसी सिनेमा हॉल में मिलेगी। और जो लोग 5.2 सिस्टम लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी और तेज हो जाए, थोड़ी और तेजी से पंप करने लगे इस 5.2 सिस्टम पे सॉन्ग सुन के जिसमें ज्यादा बेस है, ऑब्वियसली देन दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। आपको ये इतनी जोर से शेक करेगा कि आपको लगेगा यार ये कौन सी बेस है जो मुझे यहां टच कर रही है। एंड माइंड यू ये ओबेज का सिस्टम है, इसमें अपर बेस बहुत ज्यादा कूट कूट के नहीं भरी होगी, आपको ऐसी बेस नहीं होगी जो बहुत ज्यादा सुनाई देगी, आपको ऐसी बेस होगी जो आपको प्रॉपरली सुनाई भी देगी, यानी प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर आपको अपर बेस मिलेगा और बहुत ज्यादा लोअर बेस मिलेगी, जिससे आपकी बॉडी पूरी जबरदस्त बीट होगी, एंड दैट इज व्हाट यू गेट इन द 5.2 ओबेज CA1। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, लेकिन उससे पहले प्राइस। ओबेज ने CA1 को लॉन्च किया है 19,999 रुपीस के अंदर, विच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक प्राइस, क्योंकि किसी भी और ब्रांड के अंदर ऐसा सिस्टम जेन्युइनली 5.1 जिसके अंदर सराउंड चैनल्स इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटी रखते हैं और आपको 500 वॉट का पीक आउटपुट देते हैं विद 200 वॉट RMS, वो आपको किसी भी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। बट देयर इज अ कैच, द कैच इज कि प्राइस 19,999 नहीं है, प्राइस है 15,800 रुपीज, एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा कमाल का प्राइस रखा गया है। और इस प्राइस के अंदर ओबेज ये वाली चीज डिलीवर कर रहे हैं, आई सिंपली कैनॉट बिलीव इट। बस मुझे यही डर है कि मैं हर बार ये वीडियो में ये कहता हूं कि ओबेज अपना इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज ना कर दे, बिकॉज इस प्राइस में आई थिंक इट इज अ स्टील डील। आपको 15,800 रुपए के अंदर ये मिलता है 5.1 सिस्टम, आई कैनॉट believe it, but actually and genuinely it is available in this price। और अगर आपको इसका 5.2 system लेना है, यानी आपको ये 5.1 और extra subwoofer लेना है, जानते हैं वो कितना cost करेगा? 2,200 रुपीस, यानी दोनों system मिला के आपको 18,000 रुपीस के अंदर cost करेंगे। ओबेज का CA1 5.2 वर्जन 18,000 रुपीज में, कभी सुना है आपने 5.2 वर्जन? 8 इंचेस का सबवूफर, दो 8 इंचेस के सबवूफर, 4-4 इंच के ड्राइवर, यार प्रोज एंड कॉन्स की बात करनी है, चलो पहले आपको कॉन्स ही बताता हूँ इस सिस्टम के। हाँ भाई, टेक्निकल लोगों के लिए इस सिस्टम में डॉल्बी की डीकोडिंग पॉसिबल नहीं है, बट लुक वट इज द टीवी शोइंग जब हमने इस सिस्टम को HDMI ARC से कनेक्ट किया टीवी के साथ। TV is showing spatial audio,
यानी आपको जो PCM के अंदर क्लैरिटी देगा ये सिस्टम, वो आपको कोई भी नॉर्मल 5.1 होम थिएटर सिस्टम नहीं दे सकता। आप स्पेशल ऑडियो को आराम से गूगल कर सकते हैं, बट ऑल आई कैन टेल यू कि डॉल्बी की डीकोडिंग ना देके या डॉल्बी ऑडियो डॉल्बी डिजिटल ना देके उन्होंने कॉस्ट सेव करी है लाइसेंस की, और वही कॉस्ट का बेनिफिट आपको दिया है 15,800 रुपए के अंदर इस सिस्टम को लॉन्च करके। एंड आई थिंक इट इज कॉन फॉर सम, बट फॉर मी इट इज नॉट अ कॉन एट ऑल। बट जो एक पॉइंट मुझे कंसर्न करा वो ये है कि आपको फ्रंट चैनल्स और सेंटर चैनल की जो वायर लेंथ है दैट इज 3 मीटर्स जो आपको मिलती है, और जो सराउंड चैनल्स हैं उनकी वायर की लेंथ 5 मीटर है। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी कम है, ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैंने ब्रांड को कॉन्टैक्ट करके जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके साउंड स्टेज को आपको क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम वायर लेंथ क्या होनी चाहिए, फ्रंट एंड द सेंटर चैनल शुड बी मैक्सिमम एट 4 मीटर, जो आप खुद भी कर सकते हैं, और सराउंड चैनल्स आप 10 मीटर्स तक लेके जा सकते हैं, 10 मीटर की वायर आप लेके जा सकते हैं। आपको बताता हूं साउंड स्टेज का मतलब, उसे ध्यान से सुनिए। ऑब्वियसली आप इस सिस्टम को अपने टीवी के साथ HDMI ARC से कनेक्ट करेंगे, आगे के सारे स्पीकर्स यानी सेंटर चैनल और फ्रंट चैनल्स आप टीवी के साथ लगाएंगे, सबवूफर आप किसी भी एक कॉर्नर में लेफ्ट या राइट जमीन पे रखेंगे, और सराउंड चैनल्स को अपने रूम के बिल्कुल पीछे ईयर लेवल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए लगाएंगे। यहां तक सबको पता है, नहीं पता तो ठीक है मैंने बता दिया, अब आपको पता है। लेकिन व्हाट इज अ साउंड स्टेज? आप जब कोई भी उससे मूवी चलाएंगे तो आपको एक वर्चुअल सराउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि सिनेमा हॉल जैसी सराउंड आपको कानों को सुनाई दे रही है, और बहुत दूर से आवाज भी आ रही है, कुछ पास से भी आ रही है, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज बहुत शार्पली आपको सामने से सुनाई दे रही है, और ये जो पूरा साउंड स्टेज मिलता है आपको एक थिएटर इफेक्ट मिलता है। That is very very important. तार लंबी करना आसान है, लेकिन कितनी तार लंबी करी जाए कि फ्रंट चैनल्स जो फ्रीक्वेंसी डिलीवर कर रहे हैं वो ही फ्रीक्वेंसी अगर सराउंड चैनल ने डिलीवर करनी है तो वो आपस में सिंक में रहे, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर साउंड स्टेज। इसलिए इस सिस्टम की जो वायर लेंथ है वो 10 मीटर तक, सराउंड चैनल की 10 मीटर तक आप लेके जा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दी साउंड स्टेज, विच आई थिंक इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि ओबेज के हिसाब से चाहे कितने भी स्क्वायर फीट के रूम को ये कवर करें, मेरे हिसाब से 300 स्क्वायर फीट तक के रूम को ये सिस्टम इतने शानदार तरीके से हिला के रख देगा, चलो कवर कर देगा और हिला के रख देगा, कि आप एक्चुअली में हिल जाएंगे, क्योंकि आपको जो ऑडियो भर भर के सुनाई देगी, एक एक फ्रीक्वेंसी जो आप क्लियरली सुन पाएंगे, दैट इन माय ओपिनियन अमेजिंग। शायद मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स मिक्स करके बता रहा हूँ, लेकिन एक और आपको प्रो बताता हूँ इस सिस्टम का। इस सिस्टम के अंदर जो सराउंड चैनल्स हैं उससे जो आपको सेपरेशन मिलती है वो एक्चुअली में काबिले तारीफ है। I really appreciate the engineers of Obage company, क्योंकि उन्होंने जितनी ज़बरदस्त मेहनत करके इसकी सेपरेशन को क्रिएट करा है। मैं एक और सॉन्ग आपको बताता हूँ जो ऑडियो फाइल्स में आपको मिलेगा, उस सॉन्ग का नाम है अफेयर। आप उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, उसमें पहले के 5 से 7 सेकेंड्स आपको जो ऑडियो मिलेगी वो बहुत घुटी हुई ऑडियो सुनाई देगी, क्योंकि वो सॉन्ग में ही इस तरह से दी गई है। लेकिन अचानक से साउंड में या ऑडियो में शिफ्ट होगा, और वो शिफ्ट सॉन्ग में ही है, लेकिन वो एक ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छे से प्ले कर पाए, एंड पर्टिकुलरली द सराउंड चैनल्स, दैट इज द मैजिकल पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। और वो ये सिस्टम इतने ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है, आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस सिस्टम, और मुझे नहीं पता कि मैं इसे अपने ऑफिस में कैसे प्लेस करूँ, क्योंकि आई कैनॉट डू दैट, बट आप तो कर सकते हैं अपने घर के अंदर। एंड आई थिंक द प्राइस इज इनक्रेडिबल, 15,800 रुपये मेरे हिसाब से एक स्टील डील है, क्योंकि ऐसा सिस्टम मैं एक्सपेक्ट करता था कि शायद 25,000 से 30,000 रुपये कॉस्ट करेगा। एंड आई के नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे ओबेज ने इस चीज़ को मैनेज किया विद सच अ ब्रिलियंट सिस्टम। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग 3 हफ्ते का टाइम लिया, क्योंकि इस सिस्टम को हमने अलग अलग रूम्स में 3 हफ्तों तक लगातार टेस्ट करा, और उसके बाद हम डिटरमाइन कर पाए कि जेन्युइनली दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड।
अगर आपका कोई सवाल है इस प्रोडक्ट के बारे में और आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों प्लीज़ इस सिस्टम को अगर खरीदें तो मेरे एफिलिएट लिंक को यूज़ करके आप प्लीज़ अपनी परचेज करें, क्योंकि आपसे हमारा चैनल चलता है, किसी ब्रांड के दिए हुए पैसे से नहीं, ये आप सभी जानते हैं। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।